हेलो शेट्टी सर, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर, मैं अंकित वर्मा बात कर रहा हूँ, सौगंध टीवी दिल्ली से। जी जी सर, आपकी आपकी बात हुई इस केस के बाद पृथ्वी से? नो मैंने किया था उससे बात, तो बोला कि सर वो थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस टर्न पे चला गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको उनको दिया था सेल्फी, बट वो बाद में वापस आके कुछ थोड़ा बदतमीजी करने लगी वो लड़की, और उसका वीडियो बनाने लगे वो। अच्छा, तभी उसने फिर उसको बोला कि मैं वो उनके मैनेजर को बोला भाई ये अभी वो ज्यादा कुछ अलग लेवल पे चला जा रहा है, तो इसको रोक दो करके। तो वो फिर उनको अच्छा नहीं लगा, फिर वो बाहर रुके थे उनके लिए, यू नो। तो ये सब ज्यादा है ना, अगर आप बाहर रुके हैं देखते हैं हम लोग, फिर गाड़ी के ऊपर हमला किया, ये सब नहीं ना। अगर आपको आर्ग्यूमेंट करना है, कोई झगड़ा करना है, तो वहीं पे सेटल हो जाता ना। तो आप बाहर क्यों रुके थे फिर? इतना क्या आपको बुरा लगा कि आप बाहर रुक के एक क्रिकेटर के गाड़ी को मतलब आपने डैमेज कर दिया, फिर आपने शो किया उधर, ऐसा है ना। हुआ और क्या फिर था सर? क्या, सेल्फी लेने को बोल रहे थे ये लोग, क्या हुआ था पता है कुछ आपको? नहीं, सेल्फी दे दिया था उसने, जो उसका वर्जन है सेल्फी दे दिया था। उसके बाद ये देखो, ये मेरे को एब्सोल्युटली कंफर्म नहीं है, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला ये उसका वर्जन था। उसके बाद वो कुछ लड़की वापस आई और मेरे को कुछ वीडियो बनाने लगे, फिर उसका ऑल राइट। ना थोड़ा सा ज्यादा नजदीक आके वीडियो बनाने लगे, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता ना। देखिए आप वो सब नहीं कर सकते ना, एक लिमिट है ना आपकी। मैं आपके साथ फोटो खींच रहा हूँ, और फिर मैं ज्यादा अगर कंफर्टेबल हो गया आपके कंधे वंधे पे हाथ रहे, तो आप भी सोचेंगे ना यार अपनी पहचान नहीं होती, आप क्यों कंधे पे हाथ रख रहे हो ना। तो मतलब वो सब कुछ चीज ऐसा हुआ वहां पे, इसके वजह से वो फिर उसने फिर मैनेजर को बोला कि ये रोक दो, वीडियो वीडियो निकाल रहा है वो, क्योंकि उनको तो डर रहता ना कि कोई भी वायरल कुछ भी कर देगा ना आपको। तो फिर कल जाके स्टोरी वैसी बनी कि अरे यार ये लड़की कौन है, ये तो इतनी क्लोज हो रही थी ये वगैरह। तो वैसा के चक्कर में वो फिर उनको कुछ बुरा लगा, और फिर उन लोग ने फिर वहां पे आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिए। फिर उन लोग बाहर रुके थे और दो कुछ बंदे को बुलाया था, ऐसा था बहुत उन्होंने मतलब एग्रेसिव हो गया, अटैक ही बेसिकली किया ना। तो यू कैन नॉट अटैक समवन ना इन दिस कंट्री, ऐसा है ना। तो वैसा कुछ हुआ, बट कितने साल सिखाया सर आपने उन्हें? कितने साल कोचिंग दी? देखो वो तो 7.5 था तब से आया था, तब से तो है अभी, अभी भी रणजी ट्रॉफी के पहले हमने प्रैक्टिस की थी, तो तब से है वो। और मैं एक बात बोलता हूँ कि वो जैसा लोग परसेप्शन बनाते हैं ना, वैसा वो है। अगर आप कोई भी टीममेट्स को भी पूछेंगे ना, वो उसी के रूम में रहते हैं, दे लव टू बी अराउंड हिम, यू नो। सारे यंगस्टर उसके पास बहुत ये है, मतलब अगर इंडिया प्लेयर नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा सेपरेट रूम उनका होता है, वो थोड़ा सा मिक्सअप नहीं होते। बट अगर आप मुंबई टीम और कोई भी टीम में अगर आप देखेंगे तो इज अ लव्ड वन, मतलब उसको अच्छा। हमेशा उसके रूम में जाके, वो कैप्टन होता है तो सब लोग उसको लाइक करते हैं कि भाई ये हमको कैप्टन चाहिए, बट यू नो। आपने कहा अगर कि ये कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं वो फंस खुद। फंस 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 जाता है, फंस जाता है। उसमें मैं ये नहीं बोलता हूँ कि चलो कंट्रोवर्सी आपके पीछे रहती है, बट आपको भी थोड़ा सा संभालना पड़ेगा ना, ऐसा है नहीं तो आपने समझाया कि थोड़ा सा गुस्सा कम। तो। हाँ, देखो कैसा था, गुस्सा एक थोड़ा सा एक नेचुरल चीज है, लोगों में रहता ही है। बट वो क्या है, वो सिचुएशन को हैंडल करने आना चाहिए ना वो टाइम पे, वो थोड़ा सा है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।